अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। बीए पार्ट टू के जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए एक रहनुमाई फराहम करेगी, क्योंकि इस वीडियो में इंग्लिश पेपर का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जॉब एप्लीकेशन का एक फॉर्मेट, एक रेडीमेड मल्टी टॉपिक्स का एक सैंपल शेयर किया जाएगा। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, गौर से देखिएगा, गौर से सुनिएगा, क्योंकि ज़रा सी गलती जो है वो आपके मार्क्स की डिडक्शन का बायस बन सकती है। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने क्लास फेलोज तक पहुंचाएं, उनके साथ शेयर करें। आइए चलते हैं अब इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसकी तरफ। ये स्टूडेंट्स, ये आप अपने सामने इस वक्त जॉब एप्लीकेशन का स्टार्ट देख रहे हैं। स्टार्ट में आपने लिखना है एग्जामिनेशन हॉल और उसके बाद कॉमा, देन ए बी सी सिटी। आपने सिटी का नाम नहीं लिखना, बल्कि ए बी सी सिटी और ए बी सी इनके बीच में जो है वो डॉट है। इसके बाद आप डेट लिखेंगे और डेट का फॉर्मेट कुछ यूँ है कि सबसे पहले मंथ का नाम, बेहतर है आप मई, जून, जुलाई, ये जो महीने हैं इनका आप लिख लें, क्योंकि इनमें स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स जो है ना वो कम से कम होती है। और अगर अगस्त लिखना चाहते हैं, क्योंकि अगस्त में आपका पेपर है, तो आप लिख सकते हैं मंथ का नाम, उसके बाद डे, और देन उसके बाद कॉमा आएगा, और फिर आप ईयर लिखते हैं 2020। उसके बाद आप डियर स्टूडेंट्स, जिसको आप मुखातब कर रहे हैं, जो आपकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली आपने स्टार्ट लेना है, और द मैनेजर, द मैनेजर पुट कर दें, या जो भी कंपनी का हेड जिसको आप जॉब एप्लीकेशन लिखना चाह रहे हैं, जो जिसको आप मुखातिब करना चाह रहे हैं, तो वो आप लिख लें। तो ये इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द स्टेटमेंट, कि स्टेटमेंट में या क्वेश्चन में किसका जिक्र किया गया है। अगर क्वेश्चन में किसी भी सीईओ का या फिर जो किसी कंपनी का हेड है उसका जिक्र नहीं किया गया, तो आप द मैनेजर लिखें। उसके बाद आप कंपनी का नाम, कोई भी फर्जी नाम, देन आप सिटी लिखेंगे जहां पर वो कंपनी वाकया है, या जहां पर आप ये एप्लीकेशन भेज रहे हैं, लाहौर, रावलपिंडी, कराची, कुछ भी आप लिख सकते हैं, और यहां इसके बाद आप फुल स्टॉप पुट कर देंगे। देन डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सब्जेक्ट होना चाहिए। आप लिखेंगे सब्जेक्ट, ये इसको बोल्ड कर दीजिएगा आप। उसके बाद आप कॉलन डालेंगे, बाद स्टूडेंट्स जो कॉलन नहीं डालते। देन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, अब ये एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ये आपका सब्जेक्ट है, और जो पोस्ट मैंशन होगी क्वेश्चन की स्टेटमेंट में वो आप यहाँ पर लिख देंगे। देन सर, और सर के बाद कॉमा, यहाँ से आपकी बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन स्टार्ट होगी। आई हैव कम टू नो थ्रू अ रिलायबल सोर्स द न्यूज़ डेटेड 19 अगस्त 2020। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स देखिएगा कि अगर क्वेश्चन के स्टेटमेंट में किसी न्यूज़पेपर का हवाला है, तो आप न्यूज़पेपर का हवाला लिखते हैं, वो कोई भी अखबार हो सकती है, द न्यूज़, द डॉन, द नेशन, द फ्रंटियर पोस्ट, कुछ भी हो सकता है। और अगर न्यूज़पेपर की का नाम जो है वो मेंशन नहीं है, तो आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि आई हैव कम टू नो थ्रू अ रिलायबल सोर्स दैट देर आर सम पोस्ट ऑफ, अ पोस्ट ऑफ कौन सी जो जॉब्स हैं या पोस्ट्स हैं वो वेकेंट हैं, वो आपकी स्टेटमेंट में आ जाएगा कि आप ये जो एप्लीकेशन लिख रहे हैं ये किस पोस्ट के बारे में लिख रहे हैं। तो आप यहाँ पर वो पोस्ट लिख दीजिएगा। उसके बाद एट योर फर्म या इंस्टीट्यूशन, आप अगर फर्म का जिक्र है, किसी कंपनी का जिक्र है, तो आप कंपनी लिख दीजिएगा वर्ड, या फिर इंस्टीट्यूशन अगर किसी इदारे का जिक्र है, तो वहाँ पे इंस्टीट्यूशन लिख दीजिएगा। अंडर योर काइंड कंट्रोल, आई ऑफर माई सेल्फ एज अ कैंडिडेट फॉर वन ऑफ दम, यानी जो भी पोस्ट है उनमें से किसी एक के लिए मैं अपने आप को पेश करता हूँ एज अ कैंडिडेट। आई विल बी अवेलेबल टू टेक अप माई ड्यूटीज एनी टाइम एंड वुड बी ग्लैड टू वर्क अंडर योर काइंड सुपरविजन, और मैं अपनी जो ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए दस्तयाब होऊंगा, और मैं आपके मतहत रहकर खुशी महसूस करूंगा कि मैं आपके मतहत काम करूँ। I'm giving below a resume or CV of my qualification
and other particulars, thanking you in anticipation. डियर स्टूडेंट्स, आप रेज्यूमे लिख सकते हैं या सीवी लिख सकते हैं, जो भी वर्ड मेंशन होगा आपके क्वेश्चन के स्टेटमेंट में, तो वो वर्ड आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं. रेज्यूमे भी ये लिख सकते हैं और सीवी भी लिख सकते हैं. उसके बाद एडवांस में आपने शुक्रिया अदा करना है, थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन, और देन आपने योर्स ओबिडेंटली के बाद कॉमा, उसके बाद आप सिग्नेचर, ये आप टाइप करेंगे सिग्नेचर, और उसके बाद एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड के बीच में डॉट्स आपने पुट करने हैं. तो यूं एक आपके पास एक फॉर्मेट आ गया है रेडीमेड, कि कोई भी जॉब एप्लीकेशन आती है, कोई भी टॉपिक इस पर सेट किया जाता है, तो आप आसानी से ये कुछ ब्लैंक्स जो हैं उनको फिल करके, थोड़ा सा जहन यूज़ करके, आप आसानी से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं. इसके बाद आपने सीवी मेंशन करनी है, क्योंकि ये आप कंप्यूटर पर सब कुछ टाइप कर रहे होंगे, टाइम भी कम होगा, तो आपने शॉर्ट शॉर्ट चीज़ों को गो थ्रू करना है. समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग. डियर स्टूडेंट्स, जॉब एप्लीकेशन के क्वेश्चन में अगर ये मेंशन हुआ कि आप सीवी के साथ अपनी जॉब एप्लीकेशन लिखें, तो उसमें अगर सीवी या रेज्यूमे जो वर्ड भी होगा आपने वो सबसे पहले लिखना है, और उसके बाद आपने कुछ हेडिंग्स देनी है बोल्ड फॉर्मेट में, और उसके बाद आपने ये कुछ पर्टिकुलर्स जो है ना वो मेंशन करने हैं. सबसे पहले आपने नेम, और कोई ज़रूरत नहीं है आप नाम लिखें, ए बी सी डॉट्स पुट कर दीजिएगा. डेट ऑफ बर्थ, कोई फर्जी आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिख सकते हैं, डे मंथ और ईयर. फिर एजुकेशन, अगर आप देखें जितनी भी ये हेडिंग्स आप दे रहे हैं, यहाँ इनके बाद कॉलन आ रहा है, ऊपर नीचे दो डॉट्स आ रहे हैं. एजुकेशन के बाद आप एम ए, एम एस सी, या जो भी आपके पर्टिकुलर्स हैं, जो अगर फर्स्ट करें सपोज जो भी मेंशन किया हुआ आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट में, तो एम एस सी या एम ए जिस सब्जेक्ट में होगा वो आप लिख दीजिएगा. एक्सपीरियंस, कितने साल का आपका एक्सपीरियंस है. देन एड्रेस, एड्रेस में ये गौर से देखिएगा कि एग्जामिनेशन हॉल, सिटी ए बी सी जो आपने ऊपर मेंशन किया था एप्लीकेशन में. उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, और कॉन्टैक्ट नंबर जो है ना वो आप कुछ भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं. और उसके बाद आप रेफरेंस की हेडिंग देंगे, शैल बी प्रोवाइडेड इफ़ आस्क्ड. तो यूँ डियर स्टूडेंट्स, आप लिमिटेड टाइम में ये क्वेश्चन अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स ले सकते हैं. थोड़ा सा अपना जहन इस्तेमाल करके, इन टिप्स और ट्रिक्स पर अमल करते हुए, इंशाल्लाह आप ये अच्छी तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकेंगे. आई होप आपको जॉब एप्लीकेशन और उसके बाद सीवी का फॉर्मेट और ये रेडीमेड जो सैंपल है ये आपके लिए हेल्पफुल होगा. इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा. अल्लाह हाफिज़, टेक केयर.